नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा संसद के नए भवन की, नए भवन जिसका उद्घाटन एक तरह से ऐतिहासिक हो गया भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के बाद, और जिस तरह से लोकतंत्र के इतिहास में ये एक नया अध्याय है। नया भवन, नई दिशा, नई सोच और नए लक्ष्य। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस संसद भवन का उद्घाटन किया, यह पूरे विश्व के लोकतंत्र के लिए एक उदाहरण है। इतने कम समय में, मैंने सिर्फ 2.5-3 वर्षों में एक नई इमारत बन के खड़ी हो गई, और जो ब्रिटिश काल में बनी हुई इमारत है वो भी वहां रहेगी। लेकिन इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, उसे जनता से जोड़ने के लिए, उसे जनता के लिए ही समर्पित रखने के लिए इस संसद भवन के जरिए नैतिक मूल्यों की, संसदीय मूल्यों की, संसदीय आदर्शों की और संविधान की रक्षा के जो संकल्प को याद दिलाया, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सही है कि इस अवसर पर कुछ अपवाद भी दिखाई दिए। कुछ विरोधी तत्व या विरोधी दल जिन्होंने इसका विरोध किया, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है। लेकिन इस भव्य समारोह के लिए, जिस पर सारी दुनिया की निगाह लगी हुई है, जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट को नया बनाने का संकल्प किया हुआ है लेकिन उसमें 10 वर्ष लगने की बात कही गई है, वहां भारत में उसके लिए भविष्य की दृष्टि से भी सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, पहले की सुविधाएं कम हो गई है। जो जिस समय पुराना संसद भवन बना था उसके बाद उसे पुनर्निर्माण करने के लिए भी कोशिश हो सकती थी, लेकिन उससे अच्छा है कि उसको तोड़ फोड़ करके फिर बनाते बिगाड़ते, उससे बेहतर है कि एक नया आधुनिक एक ऐसा भवन खड़ा हुआ जो विश्व के लिए, विश्व के उन प्रजातांत्रिक देशों के लिए भी एक आदर्श होगा। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के कई देशों को आजादी का एक तरह से प्रेरणा दी और उनको आजादी भी मिली हमारे बाद, उस दृष्टि से लोकसभा, राज्यसभा, उसका नया सदन, उसकी भव्यता, कर्तव्य पथ की बात कही गई है, वह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रजातंत्र में अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की याद दिलाना नहीं, कर्तव्यों को निभाना भी आवश्यक है। आप अपने अधिकार की मांग करते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमें सब अधिकार मिले, सुविधाएं मिले, सुख संपन्नता मिले, उसके साथ उस कर्तव्य की याद दिलाना। फिर आज के इस अवसर पर प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का भी संगम, में इसको मानता हूं। क्योंकि निश्चित रूप से प्राचीन संस्कृति की बात हुई, वैदिक ऋचाओं का पाठ किया गया, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के जो पंडित हैं उन्होंने अपने तरफ से जितने श्लोक और पढ़ करके जिस तरह से एक जो विधिवत पूजन होता है वह भी हुआ, साष्टांग दंडवत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई। ऐसा नहीं है, हमें लगता था कि महात्मा गांधी या देश के अन्य महान नेता जितने भी रहे हैं सबने अपने धर्मों का पालन भी किया, लेकिन सर्वधर्म को, उसकी प्रार्थना को भी हमेशा स्मरण किया गया। तो संविधान की उस भावनाओं के अनुरूप एक भव्य समारोह हुआ, और इसलिए एक नया रास्ता खुला है, एक नई आशा भी जगी है। क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, 2024 का ही चुनाव नहीं, आने वाले पूरे 25-50-100 वर्षों के लिए भी भारत के लोकतंत्र पर विश्व की निगाह लगी है। सब देश भारत की तरफ देख रहे हैं, और इसीलिए भारत की लोकतांत्रिक परंपरा भी इस संसद के नए भवन में कितनी मजबूत हो, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और उन्होंने जो बातें कही है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि विपक्ष का जो रोल रहा, खास करके कुछ ऐसे दल, कांग्रेस ने विरोध किया तो उस कार्यक्रम को ही राज्याभिषेक की तुलना दे दी राहुल गांधी जी ने। लेकिन यदि आप कोई कार्यक्रम संपन्न होता है, यदि बराक ओबामा हो चाहे बाइडेन हो, यदि वो अपनी शपथ बाइबल को हाथ रख करके, बाइबल को लेकर के करते हैं, तो ऐसी स्थिति में, या ब्रिटेन में इस तरह की कई परंपराएं हैं, उनके विश्वविद्यालयों में तो चर्च बाकायदा छोटे छोटे जो है उनके बने हुए हैं, तो उस दृष्टि से हम उसकी अनुगमन की बात नहीं कर रहे। लेकिन यह है कि भारतीय संस्कृति की जो दर्शाता है, जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है, ऐसी संस्कृति का भी हो, सभी धर्मों का भी सम्मान हो। क्योंकि वहां जो सांसद बैठे थे वो तो सभी पार्टियों के थे, ऐसा मैंने जिन पार्टियों के 25 पार्टियों के तो सांसद थे ही, और वो सांसद भी जनप्रतिनिधि हैं, उसी तरह से विदेशी मेहमान भी थे, उनके सामने एक अच्छा विरोध करना था, असहमति कर सकते थे कि राष्ट्रपति
बुलाते तो और अच्छा होता या उनको बुलाया जाना चाहिए, आखिर तक मांग की गई। यदि नहीं हुआ, उनका संदेश पढ़ा गया, उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा गया। पत्रकार से राजनेता बने हरिवंश जी ने, एक तरह से यह भी एक गौरव की बात है हम लोग जैसे लोगों के लिए कि उन्होंने उपसभापति के रूप में न केवल अपना भाषण दिया बल्कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के भाषण को भी जब सबने जो इतने श्रोता वहां पर थे, जितने मेहमान थे, उनके सामने उसे पढ़ा, वो एक संदेश भी लोकतंत्र की एक निशानी है। क्योंकि कहीं भी हम राष्ट्रपति के आदेश पर तो सारे ही काम होते हैं, तो क्या कहा जाए, हर जगह राष्ट्रपति रहेंगे, कल सर्वोच्च न्यायालय का कुछ होगा तभी राष्ट्रपति को आप कहेंगे कि उनको रहना चाहिए, क्या उसी तरह से किसी भवन का उद्घाटन होता है तो होगा। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था राष्ट्रीय जनता दल लोक माने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता या जनता दल के नेता, जिस ढंग से उसे ताबूत तक की संख्या दे दी गई नए संसद भवन को, इतना अपमान तो दुनिया का कोई विरोधी पाकिस्तान और चीन भी नहीं करेगा। इस तरह की बातें करना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में। और इसलिए मैं डॉक्टर अम्बेडकर की ही ये बात याद दिलाना चाहता हूँ जो उनके भाषण में आज भी दर्ज है, और वो भी संविधान सभा का एक अंतिम भाषण उनका था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता के रूप में जिनको सब याद करते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि संविधान में जितना कुछ अच्छा है तो ठीक है, और उस अच्छे को पालन करने वाले, उसका अनुसरण करने वाले, यदि वो अच्छे होंगे, वो सही होंगे, वो सही बात कहेंगे, तो उसे सार्थक कहा जाएगा। लेकिन उसका पालन करने वाले, उसका अनुगमन करने वाले, उसको क्रियान्वित करने वाले यदि बुरे लोग होंगे, तो इस संविधान का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, उसके बुरे परिणाम होंगे। आपको यदि शंका हो तो डॉक्टर अम्बेडकर के उस भाषण को निकाल करके पूरा देख लें जो उन्होंने 1949 में संविधान सभा के अंतिम उसमें दिया था। इसी तरह से देखिए, और नेहरू को लेकर से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी तक आप आलोचना कर दिए, लेकिन मैं लाल बहादुर शास्त्री जो बहुत ही निर्विवाद प्रधानमंत्री के रूप में काफी हद तक रहे, उनका एक कोट भी जरूर, जो उन्होंने अगस्त 1964 में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं नहीं कहता कि विरोधी दल सरकार की आलोचना न करें, जरूर करें, सरकार की कमियां बताएं, बुराई करें, लेकिन एक लोकतांत्रिक सीमा में हो। कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जिनमें सारे मतभेद, सारी बुराई भुला करके राष्ट्र को एक दिखना चाहिए, एक लगना चाहिए और एक होना चाहिए। ये बात लाल बहादुर शास्त्री ने कही और अम्बेडकर ने कही, जिनको लेकर के कोई भी हमारे जो श्रोता है या दूसरे दल के नेता हैं वो आपत्ति नहीं करेंगे। इसलिए चूंकि आप किसी प्रधानमंत्री पर सहमत हो सकते हैं, कम से कम उनकी जय जवान जय किसान कहने वालों की बात पर नहीं होंगे। और इस दृष्टि से जो कुछ प्रयास इस संसद को लेकर के हुआ है, इसके निर्माण में देश के दूर दराज से आए हुए और 60,000 मजदूरों ने जितना दिन रात परिश्रम किया, उनका सम्मान, उनका डिजिटल रखा गया, उसी तरह से सारी वहां लाइब्रेरी हो, कितनी आधुनिक सुविधाएं हो। मैंने दुनिया के लगभग बड़े जितने लोकतांत्रिक देश हैं, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, सबकी जो संसद के भवन अंदर से भी देखे हैं, वहां के संसद के सत्र को चलते हुए भी देखे हैं, उनकी कार्रवाई पर कई बार अब तक कुछ लिखा भी है, रिपोर्टिंग भी किया है। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं ये संसद भवन उन सबसे अधिक आधुनिक और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला माना जाएगा, माना जा रहा है, और दुनिया के लोग इसकी तरफ देखते रहेंगे। इसलिए आलोचनाओं पर ज्यादा ध्यान न दे करके देखना चाहिए कि हम लोकतंत्र को कितना कैसा मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।